अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो मासेस के बीच में फोर्स पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो चार्जेस के बीच में फोर्स, और उसके लिए आपके साथ सीखना पड़ेगा आप लोगों को कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कूलम्ब अंकल ने उसी को चीटिंग कर लिया, बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया, बस वहाँ मास रखा था, यहाँ चार्ज लिख दिया, और जो कांस्टेंट था वो चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ एकदम सेम टू सेम। तो उन्होंने बोला कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, दोनों के सेंटर टू सेंटर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, रेफरेंस के लिए आप इसको R मान लीजिए, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो वेदर इट विल बी अट्रैक्टिंग और रिपल्सिव, फर्क नहीं पड़ता, उससे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अभी के लिए मान लेते हैं दोनों सेम चार्ज थे तो रिपेल ही करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ये तो हमें न्यूटन अंकल ने बताया था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस बात से फर्क नहीं पड़ता Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है, फोर्स बराबर ही होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन अलग अलग होगी। और ये जो फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, मतलब दोनों चार्ज पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो जो उनका फोर्स है वो कम हो जाएगा, वो भी स्क्वायर के साथ कम हो जाएगा, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। और एफ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपने अभी अभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, बस फर्क क्या है, वहां पे मासेस थे, यहां पे चार्ज है, वहां पे कॉन्स्टेंट था कैपिटल जी, यहां पे कॉन्स्टेंट है के। जी का नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो किसी भी हालात में नहीं चेंज होने वाला, बट यहां पे जो के है ये क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। वैसे तो इसका नाम कांस्टेंट है बट ये थोड़ा बदतमीज टाइप का कांस्टेंट है, ये बदल भी सकता है, बताओ, नाम कांस्टेंट है बदल भी जाता है, और किसके क्यों बदलता है, किस पे डिपेंड करता है, ये क्या चीज चेंज करने पे ये चेंज होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, मतलब ये अगर आपने दोनों मासेस के बीच में एयर रखी है, एयर है इनके बीच में तो फोर्स कुछ और होगा, और आपने इनके बीच में पानी वानी भर दिया, कोई दूसरा मीडियम लाके रख दिया तो फोर्स बदल जाता है, मतलब दो चार्ज के बीच का मीडियम भी मैटर करता है फोर्स कैलकुलेशन में, जबकि चार्ज मास के साथ ऐसा नहीं था, मास को हवा में रखो, पानी में रखो, कहीं रखो, फर्क नहीं पड़ता, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना ही रहेगा, बट यहाँ पे कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। हाँ, सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा, सबसे ज्यादा वैक्यूम या एयर में रहता है, सबसे ज्यादा वैक्यूम या एयर में ही लगता है, इसके अलावा आप कोई भी मीडियम लेके आओगे आपका फोर्स कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं कभी भी, ठीक। अब इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ी बातें करेंगे जिसका नाम कूलम्ब कांस्टेंट है। एक्चुअल में जो ये कांस्टेंट के है, इसको अगर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो ये होता है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे सर ये क्या मजाक है, हमने तो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट पढ़ा था, आपने यहां पे एप्साइलन आर भी लिख दिया, आप ज्यादा होशियार हो रहे हो क्या? क्या होता है एप्साइलन आर या एप्साइलन नॉट? एप्साइलन नॉट दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्साइलन आर क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, एप्साइलन आर क्या होता है? इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, बट इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी से ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के नाम से जानेंगे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ज्यादातर मैं भी आपको रिलेटिव परमिटिविटी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, बस इसी की वजह से सारी लड़ाई है, हर मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जब भी
किसी मीडियम में आप चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो उस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम के पार्टिकल को पोलराइज करने की कोशिश करता है, फोर्स लगाता है ना। अब मीडियम में अगर थोड़ा बहुत भी चार्ज इंड्यूस हो गया तो उसकी चार्ज को बिहेव करने की प्रॉपर्टी बदल जाती है। मतलब चार्ज के हिसाब से मीडियम अगर चेंज करोगे तो उस मीडियम के पार्टिकल डिसाइड करेंगे कि कितना इफेक्ट उसका जनरेट होगा, कितना इफेक्ट उसका ट्रांसफर होगा। अगर बिल्कुल वैक्यूम है तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना ही ट्रांसफर होगा, आगे तक उतना ही रहेगा। बट अगर बीच में मीडियम आ गया तो उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा थोड़ा अपोज करते हैं। तो हर मीडियम का अपना एक अलग नेचर है, तो हर मीडियम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। इसलिए हमने हर मीडियम का एक कांस्टेंट याद कर रखा है, जिसको प्यार से डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो होता है एप्सिलॉन आर। वो डिसाइड करता है कि भैया के का वैल्यू कितना रहेगा। अब डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, के के। यहाँ पे एक दो चीजें आप दिमाग में रखेंगे कि भैया अगर मैं वैक्यूम की बात करूं या मैं एयर की बात करूं तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना ले लिया जाएगा, वन। कितना ले लिया जाएगा, वन। मतलब अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें सिर्फ एयर या वैक्यूम दे रखा है तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है आपने शायद यही फॉर्मूला याद किया होगा, बट ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम करता है जब चार्ज पार्टिकल के बीच में हवा हो या वैक्यूम हो, ठीक है ना। यहां पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कितना होता है, इसका वैल्यू 9 × 10⁻¹। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप चाहें तो इसका डायमेंशन वगैरह भी निकाल सकते हैं, यूनिट भी मैंने यहीं से निकाला है, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं करा नया, मैंने आर को उधर मल्टीप्लाई करा, क्यू वन क्यू टू को डिवाइड करा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और वैल्यू ही 9 × 10⁻¹। यही होता है आपका फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स अगर वो एयर में रखे हुए हों तो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि मेटल बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ने ही नहीं देते। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्सेज नहीं, मतलब मेटल के अंदर फोर्सेज नहीं लगते। मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। आप ये पढ़ोगे आगे चल के कि जब कोई मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, सरफेस से शुरू होता है, अंदर नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेटल का इनफाइनाइट होता है और हवा का एयर का वैक्यूम का वन होता है। ओके, ऑल गुड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। नो, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। जैसे कि मान लो कोई मेटल है, आपने यहाँ पे चार्ज रख दिया, तो पहली बात तो चार्ज यहाँ पे रह ही नहीं सकता, चार्ज तुरंत कहाँ भाग जाएगा, सरफेस पे भाग जाएगा। मान लो आपने कहा नहीं सर अंदर तो हवा है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो यहाँ पे इस वाले चार्ज पे कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता, कौन लगाएगा, अकेला बैठा रहेगा। ये कहा जाता है जब कहीं, जैसे कहीं पे हो रहा है ना, बिजली गिर रही है, ऊपर से थंडर स्ट्रॉम आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो गाड़ी के अंदर बैठे रहो, अगर बिजली गिरेगी भी ना तो आपकी गाड़ी के सरफेस पे करंट फ्लो करेगा, पूरा हो जाएगा और ग्राउंड में चला जाएगा। जो गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेटल है ना, पूरी गाड़ी जो मेटल है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है इसको। अगर कहीं से बिजली गिर रही है और आप किसी मेटल के अंदर बैठे हुए हो, मेटल के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो ना, उससे थोड़ा कुछ कुशन वगैरह लगा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है इसको। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे चीजें आएंगी, अभी तो शुरुआत है। अभी के लिए बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। ये फॉर्मूला सेम वैसा है जैसे f equal to g m1 m2 by r square होता है। ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है किसी को। यस सर, मानते हो?